बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर पापा बनाने लगे हैं पंजाबी मटन मसाला। तो उसके लिए तकरीबन 2.5 किलो गोश्त ले लिया, या आप पीस देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसके लिए पीस बड़े इस्तेमाल होते हैं जी। और इसे धो कर रख दिया। और 3 टमाटर हैं इस क्यूब्स की साइज़ में आप काट लें। और तकरीबन 2 लहसुन है उसको छील लिया। 3 प्याज हैं इसको ऐसे स्लाइस के तौर पर आप इस शेप में काट लें। और गार्निश के लिए हमें चाहिए अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च जी। और पापा ने चूल्हा ऑन कर दिया, मुझे देख के रखी है। चलिए पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना ऑयल डाल रहे हैं पापा? इसके अंदर हम प्याज अब डालते हैं। और पापा कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। कैसा आपका रमजान गुजरा है? बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफा तो माशाल्लाह आपने तो लंबा की तलावत। अभी पापा बस तरावियों से फ्री हुए थे तो कहते थे मैं खाना बना लेता हूँ। घर में पड़ी पहली दफा। नहीं तो आप तो माशाल्लाह क़याम भी, मस्जिद में और तरावियां भी। कितना फ्राई करेंगे इसको? थोड़ा सा जब हल्का सा ब्राउन होगा, पिंक होगा, पिंक जैसे होगा तो फिर हम लोग इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। अच्छा जी, अच्छा। बाबा ये साबुत लहसुन है? कोई बात नहीं, यकनी निकल आती है, कोई मसला नहीं। इसका साबुत ही है क्योंकि गोश्त को दम पे बनाना तो ये लहसुन खुद ही गल जाना। जब पकेगा ना ये लहसुन नज़र भी नहीं आना इसके अंदर लहसुन था कि नहीं। अच्छा, ये हम चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं? नहीं भाई, ये गोश्त ऐसे ही अच्छा बनता है, वैसे ही अच्छा बनता है। प्रेशर में नहीं ना, वो सही मज़ा नहीं आता इसको। अपनी जो पानी, इसका अपना गोश्त होता है ना, वो जो इसको गलाता है और बनता है हल्दियाँ में, वो अच्छा बनता है। कितनी देर में तैयार हो जाएगा ये? तकरीबन इस ऐसे गोश्त को बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है। अच्छा, 1 घंटा? हाँ, कम से कम, फिर सही ये बनता है। इसके अंदर थोड़ी देर डाल दिए, अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पापा ने ढक्कन ढक दिया, 5 मिनट हो गए हैं और पापा ढक्कन उठाने लगे। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया। पहले नमक ऐड करेंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक, पहले नमक टोटल। ये तो ऐसे ही दिल कर रहा खाने को, अभी इसको कुछ जला दी है। बाद इंशाल्लाह देखा। ये आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो गया है। और अब पापा ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च। अच्छा, 2 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी, दोनों का मैंने पहले ऐड कर लिया है जी। इसके अंदर धनिया, नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। हम लोग नॉर्मल लेते हैं इसलिए हम नॉर्मल डालेंगे। इसके साथ कम से कम 5 से 6 मिनट इसको पकाना है इसके अंदर। अच्छा, 5 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया? हाँ, इसके अंदर 5 मिनट। तकरीबन 5 मिनट के बाद पापा ने ढक्कन उठा दिए जी। पापा अगला स्टेप? हाँ, इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। कितना दही है? तकरीबन 3.5-4 चम्मच। अच्छा जी, थोड़ा सा
पापा अभी आपने कुछ नहीं डाला और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बस यही कुछ डालना और क्या डालना है अब लोग इतनी इतनी मसाले डालते हैं खुशबू के लिए। नहीं नहीं कोई चीज़ डालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इसको 5 मिनट के लिए फिर बंद कर दें। चलें 5 मिनट हो गए हैं। पापा ने ढक्कन उठा दिया क्या कितना आपने बताएं जरा इसके बारे में कुछ। बेटा ये सामने से दही हमने डाला था अब मेल्ट हो गया दही इसके अंदर तो एक दो मिनट के बाद हम टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक। फिर जब टमाटर इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे फिर एक गिलास पानी डाल के इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे हल्के आंच पे ये पकता रहे जब तक। ठीक ठीक। फिर आप खा सकते हैं धनिया वगैरह डाल के सारा कुछ। ये आपके सामने बहुत ईजी रेसिपी है बस ये बस टाइम लेती है आपको एक एक चीज करके बीच में ऐड करनी है। हाँ, आपको सब इकट्ठा नहीं डालना। नहीं ना वो तो उसका टेस्ट नहीं ना होगा। पापा आपकी सारी रेसिपी काफी डिफरेंट होती है। जाहिर बेटा इतने सालों से बना रहे हम लोग। पापा फ्यूचर में तो आप अपना कोई रेस्टोरेंट बनाए। बनाया नहीं वंडर पिज्जा के नाम से पाकिस्तान में पिज्जा शॉप खोली कब्जा ग्रुप हो गया। हाँ कब्जा ग्रुप हो गया पाकिस्तान में बस कब्जा माफिया बहुत है और कुछ फायदा भी उठाते हैं बस किसी की मासूमियत का। 2-3 मिनट बाद ना फिर इसका अच्छा इसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको मिक्स कर देख कर इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे बस। अब देख सकते हैं गोश्त की रंगत ऑयल सारा और दही सब मिक्स हो गया प्याज भी और लहसुन भी और कितना खूबसूरत कलर निकला है। अब इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड हो गए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इनको मिक्स करेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा जैसे हमेशा आप बताते हैं और पापा की रेसिपी तो काफ़ी माशाल्लाह आप लोग पसंद करते हैं। इसके लिए फिर हम से 3 मिनट ना जरा जरा टमाटर जब मेल्ट हो गया फिर हम थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे अभी नहीं। चलो ठीक इतनी देर में वैसे ही इसमें निकल जाए। ये अभी हम लोग इसको खाने लगे ये कितनी तो ज़्यादा टमाटर भी मेल्ट हो गए देख लें आप लोग। बाबा नज़र ही नहीं आ रहे मसाला तैयार हो गया बिल्कुल। अभी इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डाल लेंगे हल्का सा ग्रेवी के लिए तो हल्के बिल्कुल हल्की आँच ताकि इसमें डाल दें। हाँ हल्की आँच बिल्कुल हल्की आँच इसके अंदर हम पानी ऐड कर हल्की आंच पे इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे बिल्कुल। और कितनी देर के लिए छोड़ देंगे ये तकरीबन 20 मिनट के लिए जब तक गोश्त नहीं गल जाता। हाँ वही हल्की आंच पे गल जाएगा 15-20 मिनट में जाता है गला हुआ वैसे कितनी देर होगी हमें बनाते हुए जी जी तो ये 15-20 मिनट में ज़बरदस्त बन जाएगा। ये काफ़ी गल गया गोश्त इसको अच्छा गला हो तो मज़ा आता है खाने का। चले बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे हम लोग और ढक्कन ढक देंगे बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट के लिए जब तक गोश्त ही तैयार होता। हाँ जी बस रेडी है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे 20-25 मिनट तक। ये अदरक धनिया मिर्चें हमने डालनी इसके अंदर बस ये रेडी हो गया सारा कुछ। अब थोड़ी सी इसके अंदर मेथी पूरी मेथी डालेंगे और पापा 20 मिनट के अंदर गोश्त रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ये आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और खुशबू तो लाजवाब है। पापा माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छे कुक हैं। थोड़ी सी मेथी इसके अंदर ज़रा खुशबू के लिए ऐड कर देते हैं बस। गरम मसाला आपकी मर्जी है आप लोग इस्तेमाल करें मैं नहीं डालता वैसे ज़्यादा गरम मसाला। ये हमारा खाना रेडी हो गया। रेडी हो गया जी। और पापा चूल्हा बंद कर कब तक करेंगे बंद? बस बंद करने लगे बस। चले ये अभी हमने मिक्स कर लिया। डिश आउट करेंगे और सादे या साकी दोनों में से कोई एक खाकर आपको बताएगा कि पापा ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल ही बता रही है कि कैसा खाना है लेकिन फिर भी टेला सुफरा रेडी खाना रेडी और खाने वाला भी रेडी। जी साजिद और साजिद आज आप माशाल्लाह ब्लू कुर्ते में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज खास एक डिश पापा ने बनाई है पंजाबी मटन तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा जैसे हमेशा बताते हैं। चलो जी साजिद जी बोलो
अच्छा, तो पापा को थैंक्स नहीं बोलेंगे? पापा शुक्रिया बहुत बहुत आपने। चले आप अपनी दुआओं में याद रखें मुझे, मेरी पूरी फैमिली को। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।